Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGUI. So, students, in the last class, I have discussed exercise 25A. Today, I will be discussing exercise 25. So, in this exercise, I will be telling you how to draw the bar graph and how to study the bar graph. और इसके लिए मैं दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आप बुक्स अपने साथ लेके बैठेंगे. क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक टेबल बनाई गई है, उसमें आपको बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो 250 बच्चे हैं क्लास में और उनका जो फेवरेट स्पोर्ट क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है. तो यहाँ मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ और बगल में सोल्यूशन करूँगा. ऊपर लिखेंगे हम लोग कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है उनको और नीचे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वो स्पोर्ट्स पसंद है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन दिखा में दिया हुआ है ऑलरेडी. पांच स्पोर्ट्स की बात कर रहा है. ठीक है, सो पहला स्पोर्ट जो आपका दैट इज क्रिकेट. क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं? 75 बच्चे ऐसे हैं जो टीम से जो क्रिकेट पसंद करते हैं. देन फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? 35 लोग. देन बात की टेनिस की, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं आपके 50 लोग. देन बात की बैडमिंटन की, बैडमिंटन पसंद करते हैं आपके 25 स्टूडेंट्स. और लास्ट में आपका है स्विमिंग. स्विमिंग आप कितने लोग पसंद करते हैं? 65 लोग. इसके लिए आपका करना है एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है. वो कैसे ड्रॉ करेंगे आई विल टेल यू राइट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ग्राफ पेपर लेंगे. ग्राफ पेपर में आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. और जहां पे इसे ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस. ठीक है, यहां पे ड्रॉ होगा वो क्या ड्रॉ होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहां पे आप ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहां पे आप ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे आप? नाम लिख दीजिए कौन सा स्पोर्ट है ना, कौन सा स्पोर्ट. ठीक है, नाउ इस पे एक प्रॉपर स्केल बनानी पड़ेगी आपको. स्केल बनाने के लिए आपका करूं यहां पे डेटा देखो कैसा डेटा है. पांच पांच का मल्टीपल डेटा है तो हम लोग एक मार्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. ये 5 का, दिस इज 10, बराबर बराबर लिख दीजिए यहाँ पे मेजर कर. ठीक है, दिस इज 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
और ये सब कुछ आपको स्केल की मदद से ही करना है. नेक्स्ट इज बैडमिंटन. बैडमिंटन 25 तक किया है, 20 ठीक है. नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है स्विमिंग. स्विमिंग 65 तक के लिए आपका, तो लास्ट ब्रिटिश है स्विमिंग की ड्रॉ कर देंगे आप 65 तक के लिए. एंड यू राइट इट स्विमिंग हियर. अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली 65 के सामने ही आए. दिस इज हाउ आप क्रिएट करेंगे बार ग्राफ, ठीक है. तो सिमिलरली लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आई विल बी टेलिंग यू वन क्वेश्चन टू रीड द ग्राफ. रीड कैसे करते हैं ग्राफ को, ये था हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ. अब हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड द ग्राफ. ठीक है, इसके लिए आई विल टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में समझने के लिए आप सबसे पहले क्या अपनी बुक को देखें. इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको डेटा दिया है रेनफॉल का ऑफ 6 मंथ एक ईयर, ठीक है. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून का रेनफॉल का डेटा दिया है आपको. अब इसको देख के आपको आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम ग्राफ. कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो आप बोलेंगे रेनफॉल ऑफ द ईयर. सेकंड, इन व्हिच मंथ वाज द रेनफॉल मैक्सिमम. तो देखिए आप सबसे मैक्सिमम रेनफॉल कहां पे है, जून में है 15, तो आंसर वुड बी जून. देन थर्ड पार्ट में व्हिच मंथ वाज ड्राईएस्ट. ड्राईएस्ट का मतलब होता है सबसे कम रेनफॉल किस मंथ में हुई है. क्योंकि क्लियरली सी फरवरी में 2 हुई है, देयरफॉर आंसर विल बी फरवरी इज द ड्राईएस्ट मंथ. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में व्हाट वाज द रेनफॉल इन मार्च. मार्च में कितनी रेनफॉल हुई है, तो आप बोलेंगे 7 सेंटीमीटर, बिकॉज मार्च के ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर. नाउ फिफ्थ पार्ट में फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द 6 मंथ टेकन टुगेदर. आप बोल रहा है कि पूरे 6 मंथ में कितनी रेनफॉल हुई है, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो यू हैव टू ऐड ऑल द 6 मंथ. पूरे 6 मंथ को ऐड करेंगे. जनवरी में आपको ये 5, जैन में आपकी हुई है 5, फेब में 2, इन मार्च देयर इज 7, इन अप्रैल रेनफॉल इज 10, ऑन मे रेनफॉल इज 8, एंड ऑन जून इन मंथ ऑफ जून द रेनफॉल इज 12. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस कंप्लीटली. इस विल 5 प्लस 2 7 प्लस 10 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 8 will be 32, 32 plus 12 will be 44 centimeter is the net rainfall that has taken place in the 6 months. So that is all in today's class. This is the completion of the chapter 25. In our next class, I'll be starting with the new chapter, and it is the final chapter of your book, that is Mean and Median. Thank you.